नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का मैं आर कुमार सामान्य विज्ञान विषय के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान विषय में लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जहां से लगभग 100% संभावना होती है कि प्रश्न पूछे जाएं, और वह टॉपिक इतना कठिन होता है कि बहुत सारे लोग उसको याद ही नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आज की क्लास पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को बहुत जल्दी केवल दो चार मिनट में आसानी से याद कर लेंगे। ये आज के बाद आपकी परेशानी नहीं होगी बल्कि मेरी परेशानी होगी। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आज की क्लास 30 मिनट की क्लास पढ़ने के बाद आप मानव रोग, वो चाहे जीवाणु से हो या विषाणु से हो या कवक से हो या प्रोटोजोआ से हो या फिर कृमि से हो या आनुवंशिक रोग हो या संक्रामक रोग हो या असंक्रामक रोग हो, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों, मैं इसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर कुमार सर, आप तो कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ट्रिक क्यों पढ़ा रहे हैं? दोस्तों, ध्यान रहे आप सभी को, देखिए परीक्षा में ट्रिक हमारी इतनी हेल्प करती है कि ट्रिक के द्वारा ही आप जैसे सोचेंगे बैठ करके कि हाँ ये रोग कैसे होता है, ये कैसे होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रिक होगी तो आप औरों से दो कदम आगे रहेंगे। हर टॉपिक कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बिना ट्रिक के उसको आप नहीं पढ़ सकते। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं मानव रोग। देखिए दोस्तों, ह्यूमन डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर हम रोग की बात करें तो जब कोई शरीर अस्वस्थ हो जाता है और उस शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है तो हम कहते हैं उस व्यक्ति को रोग हो गया है। अगर हम बात करें दोस्तों रोग की, तो रोग को हम डिजीज कहते हैं और डिजीज को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा पैंडेमिक और एपिडेमिक, महामारी और अमहामारी, वो अलग बात होती है, वो WHO घोषित करता है। लेकिन हमारी किताबों में या हमारे सिलेबस में या परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर रोग को हम यहां दो प्रकार से विभाजित करेंगे। देखिए, एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। यानी दोस्तों, रोग ऐसे भी होते हैं जिसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता लेकिन उसको रोग हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां जन्मजात रोग, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जेंटल डिजीज कहते हैं। देखिए, कॉन्जेंटल डिजीज ऐसा डिजीज होता है कि जैसे ही बच्चा मां की पेट में बनता है और उस समय यह निर्धारित हो जाता है कि इस बच्चे में यह रोग आने वाला है। क्यों? क्योंकि वे रोग आनुवंशिक होते हैं। आनु मतलब आने वाले, वंशिक मतलब वंशों से, यानी उस बच्चे में उस रोग का संचार उसके पूर्वजों से होता है। अब सोचिए, वह नवजात बच्चा उस रोग में बिल्कुल दोषी नहीं होता है। तो दोस्तों, कॉन्जेंटल रोग ऐसे ही होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं दोषी नहीं होता। अगर इसमें हम केवल आनुवंशिक रोग कहें तब भी यह बेईमानी होगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से बच्चे को, भ्रूण में बच्चा है, उसको चोट लग गई, उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो यह आनुवंशिक रोग नहीं होता है। जन्मजात रोग ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं और इसमें व्यक्ति स्वयं दोषी नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं आनुवंशिक रोग। चाहे वो सिंड्रोम हो, हीमोफीलिया हो, वरानता हो, ये ऐसे रोग हैं जो जन्म के पहले ही बच्चों में तय हो जाते हैं, मेरे प्यारे साथियों। अगला होता है उपार्जित रोग। ये ऐसा रोग है जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। और उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जिसमें व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है? स्वयं दोषी होता है। और ये रोग जन्म के बाद होते हैं। अगर हम जन्मजात यानी जन्म के बाद होने वाले रोगों के बारे में आप सभी से बात करें, तो जन्म के बाद होने वाले अर्थात उपार्जित रोगों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। और इसमें एक ऐसा रोग जो संचारी होता है, जो इन्फेक्शियस होता है, जो कम्युनिकेबल होता है, यानी एक संक्रामक और एक असंक्रामक, दो रोग हैं। देखिए, संक्रामक का मतलब होता है इन्फेक्शियस, ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं।
रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर ये स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। इनको हम संक्रामक रोग कहते हैं, यानी इंफेक्शियस डिजीज कहते हैं, या इनको ही हम कहते हैं संचारी रोग। कम्युनिकेबल, साथ में उठने बैठने से, हाथ मिलाने से, कम्युनिकेशन करने से ये रोग बहुत तेजी से फैल जाते हैं, और ये ऐसे डिजीज हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति रोगी है, जैसे वर्तमान में कोविड देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है और उसके आसपास आप हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसे हाथ मिला रहे हैं, उसके संपर्क में हैं, तो वह कोविड निश्चित तौर पर आपको हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह दोस्तों है कि कोविड भी क्या है, संक्रामक रोग है, टचेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए, अगर संक्रामक रोगों की बात की जाए तो संक्रामक रोग जो होते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई यानी कवक, जिसको आप फफूद कहते हैं, प्रोटोजोआ या जीवाणु या विषाणु, वायरस यानी कृमि, वर्म। तो फंगल प्रोटोजोआन से या बैक्टीरिया या वायरस से या वर्म से ये इंफेक्शियस डिजीज फैलते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होते हैं, और ये ऐसे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर बहुत तेजी से फैल जाते हैं। अगर हम इन रोगों की बात करें तो ध्यान रहे, इन्हीं रोगों में एक होता है असंक्रामक रोग, यानी कि ऐसे रोग जो व्यक्ति में छुआछूत से नहीं फैलते, और असंक्रामक रोगों को हम अनटचेबल या अनकम्युनिकेबल या दोस्तों इनको कहते हैं नॉन इंफेक्शियस डिजीज। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंफेक्शियस डिजीज बोलते हैं, अर्थात ये ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक होते हैं और संचारी होते हैं, इनको नॉन इंफेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। और ध्यान रहे, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर कभी यह रोग नहीं फैलता है, लेकिन संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर बहुत तेजी से फैल जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें और संक्रामक बीमारियों की, तो ये हीनता जन्य रोग होते हैं, मींस डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, यानी इन रोगों में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। ऐसे रोगों को हम कहते हैं हीनता जन्य रोग या असंक्रामक रोग या असंचारी रोग, और इनका कारण क्या है, ये निर्जीव कारकों से होते हैं, और संक्रामक रोग सदैव सजीव कारकों से होता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैंने पहले बोला कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर संचार इनका नहीं हो पाता है, जैसे हिस्टीरिया महिलाओं में होने वाली एक प्रमुख मानसिक बीमारी है, जिसमें वो शादी के पहले झगड़ा करना, चिल्लाना, बेहोशी, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, और इस रोग का कोई उपचार नहीं है, और ये रोग अपने आप शादी के बाद ठीक हो जाता है। गठिया रोग, गाउट इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान देना, ये गठिया भी क्या होता है, और संचारी रोग होता है, छुआछूत से नहीं फैलता, जब यूरिक अम्ल जमा होता है हड्डियों में तो ऐसा रोग होता है। देखिए फिर है पैरालिसिस, अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, उसकी आप सेवा करोगे, उसका हाथ पैर दबाओगे, उसको दवाई खिलाओगे, तो क्या आपको भी पैरालिसिस हो जाएगा? सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अटैक आया हुआ है, हार्ट अटैक आया हुआ है, और उसको दवा खिलाओगे तो क्या आपको अटैक आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये असंचारी है, असंक्रामक है। तो दोस्तों इन्हीं सब के आधार पर रोगों को कई भागों में बांटा गया है, एक बार ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, कौन संचारी है, कौन संक्रामक है, और कौन सा असंचारी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि संस्था में लेखपाल का बैच प्रारंभ है, प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है। यदि आप लेखपाल की बैच में प्रवेश लेने के इच्छुक हो तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर संपर्क करें, आपको सारी जानकारियां शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में निरंतर तैयारी करनी है। रवि सर और आलोक सर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आप 100% सफल हो जाएं, और हमारी पूरी टीम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। बस हमें केवल एक साथ चाहिए कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर दोस्तों आप हिम्मत हार गए तो वहीं से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, अगर हिम्मत हार गई होती तो अरुणिमा सिंह टूटे हुए पैर से 2 बार एवरेस्ट नहीं चढ़ती, अगर अनिल कुंबले हिम्मत हार गए होते
तो टूटे हुए जबड़े के साथ भारत के लिए गेंदबाजी नहीं करते। अगर युवराज सिंह उस समय की हिम्मत हार गए होते जिस समय उनको कैंसर हुआ था, तो आज हमारे पास दूसरा विश्व कप नहीं होता। दोस्तों, जो लोग भी महान बने हैं उस महानता के पीछे उनका कठिन परिश्रम होता है। यदि आप भी सही दिशा में कठिन परिश्रम करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं संक्रामक रोगों को। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको यहां ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसी ट्रिक ना तो कभी आपने पढ़ी है और ना कभी देखी है, और चैलेंज के साथ कोई भी परीक्षा हो वहां रोग और उपचार से प्रश्न आता है, और यह ट्रिक आज पढ़ने के बाद किसी भी परीक्षा के लिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मेरा चैलेंज है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए शादियां तो सबकी होती हैं और कोई व्यक्ति है उसकी शादी हो चुकी है और बेचारा गंजा है, कवक से ही बाल झड़ते हैं ना, तो गंजा है, उसके बाल नहीं है, और वो जो गंजा है वो अपने ससुराल गए हुए हैं, तो ससुराल में साली होती हैं, बीवी की बहन, बड़ा मजाक करती हैं, छेड़छाड़ करती हैं, डोंट माइंड। तो दोस्तों अब बेचारे गंजे हैं, बैठे हुए हैं, बैठ करके फल खा रहे हैं, तो उनकी साली आती क्या कहती है, एक तो गंजा दामाद ऊपर से खाए फ्रूट। आइए देखते हैं कैसे इसको हम समझ लेते हैं। देखें दोस्तों, फंगल डिजीज की ट्रिक क्या है, गंजा दामाद, मैंने कहा ना साली क्या बोलेगी, एक तो गंजा दामाद ऊपर से खाए फ्रूट, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब गंजा से हो गया गंजापन मींस बाल्डनेस, उसके बाद दमा यानी अस्थमा होता है एस्परजिलस फ्यूमपेटस से, और दोस्तों द से क्या होता है, दाद होती है, दाद जो रिंग पर जाता है त्वचा पर, और ख से खाद, इसको हम बोलते हैं स्कैबीज, और ये सफेद दाद की श्रेणी में आता है, और आखिरी में देखिए ए फ्रूट, ए फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फूट, और एथलीट फूट ऐसी बीमारी है जो बारिश के मौसम में मैक्सिमम फीमेल्स में होती है। तो महिलाओं में क्या होता है, हाथ और पैरों के बीच जो कोमल उंगलियां होती हैं वो सड़ जाती हैं, ये ऐसा रोग है। तो दोस्तों गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा से दमा, उसके बाद देखिए द से दाद, ख से खाज, और ए फ्रूट। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ऐसे रोग हैं जो कवक से होते हैं। अब देखिए कवक से होने वाले रोगों के बाद कुछ ऐसे रोग भी हैं जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं, या फिर जीवाणु से फैलते हैं, और हम इन सब रोगों के बारे में भी आप सभी से बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं। यहां आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों प्रोटोजोआ का मतलब होता है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। ध्यान रहे, अमीबा सबसे छोटा जंतु है और युगलिना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी भी है, और इस बात का ध्यान देना जो युगलिना होता है एकमात्र प्रकाश संश्लेषी पौधे की श्रेणी में भी आता है। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं। तो जैसे अभी इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति है, तो आप सभी लोग घर पे बैठे हुए, अपने घर पे पड़े हुए हैं, और आप बाहर रह के तैयारी करते थे, इस समय घर पे रह रहे हो, तो आपको आदत है लेट नाइट पढ़ने की और देर तक सोने की, तो वही हैबिट आपकी बनी हुई है। आपके पिताजी ने कहा कि बेटा सुबह सुबह तुमको कल 4 बजे या 5 बजे ये काम करने हैं, तो आपने कहा ठीक है पापा हम वो काम कर लेंगे। अच्छा, वो इतना जरूरी काम है कि अगर नहीं हुआ तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। अब हुआ ये कि पिताजी आपके कह करके चले गए, और अगले दिन जब आप सोए तो रात भर सोते रह गए, सुबह भी सोते रह गए, यानी आपकी नींद नहीं खुली। तो बताओ जब पापा आएंगे तो क्या करेंगे, प्यार से कहेंगे बहुत अच्छा किया बेटा काम नहीं पाया, बड़ी अच्छी बात है, लाठी मारेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो उनसे क्या कहोगे पापा से, आप कहोगे कि पापा मैं कल सो गया, इतना सुनते ही शुरू है ना, तो पापा मैं कल सो गया। तो दोस्तों जैसे आप कहोगे पापा मैं कल सो गया, वैसे पापा बताएंगे आपको फिर क्या करना है। तो यहां देखिए पा से पायरिया होता है, मसूड़ों में होता है, और मसूड़ों से पस निकलता है, रक्त निकलता है, और पा से दोस्तों क्या होता है, पेचिस, डिसेंट्री, इसका प्रभाव बड़ी आंत पर होता है, और देखिए मैं से मलेरिया है,
ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है और मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, कई तरह से आता है अल्टरनेट करके, एक दिन बाद दो दिन बाद जब भी मलेरिया किसी को होता है तो तेज बुखार और ठंड लगती है, पसीना होता है। और देखें दोस्तों, काला आजार, काला आजार इसको काला जार भी कहीं कहीं कहते हैं, और यह एक विशेष प्रकार की फ्लाई से स्प्रेड होता है, मक्खी से फैलता है, जिसको हम कहते हैं सिकटा, या इसे हम कहते हैं बालू मक्खी। तो यह ऐसा रोग है जो सिकटा या बालू मक्खी से फैल जाता है और हानिकारक रोग है, इसमें बुखार बहुत तेजी से आता है। फिर देखिए सो गया, एक्चुअली में सो गया का मतलब होता है दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, स्लीपिंग डिजीज होता है ये। व्यक्ति को बार बार नींद आएगी, सर दुखेगा, पूरी बदन में दर्द होता है, व्यक्ति हमेशा सोता रहता है। और ध्यान देना, यह रोग एक विशेष प्रकार की मक्खी से फैलता है जिसका नाम क्या है, सीसी मक्खी। तो सीसी फ्लाई से फैलता है यह रोग, इसमें व्यक्ति को बहुत ही नींद आती है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान देना। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं, कुछ नहीं करना, बस पापा मैं कल सो गया इतना करेंगे, पायरिया, पेचिस, मलेरिया और कालाजार, निद्रा रोग, इन सबको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोगों की मैं बात करूंगा आप सभी से, तो जीवाणु से हैजा है, सिफिलिस है, या फिर म्यादी बुखार है, रेनबो ट्राउट निमोनिया है, टिटनेस है, काली खांसी होती है, और काली खांसी को हम कुकुर खांसी कहते हैं। कुछ रोग है, बहुत सारे रोग होते हैं आपके बैक्टीरिया से। और जीवाणु क्या दोस्तों होता है, जीवाणु की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और ध्यान देना जीवाणु भी मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन आप सभी को, जीवाणु क्या है और विषाणु क्या है, वैक्सीन्स कैसे कैसे इनसे बनती हैं, ये सारे पॉइंट्स किसी दिन मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के सामने। और देखिए दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जो एक्ट्रेस होते हैं और एक्टर होते हैं, वो दोनों जोड़ियों में काम करते हैं। मैंने इसके पहले भी एक बार विषाणु से होने वाले रोग पढ़ाया था पब्लिकली, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, और मैंने कहा था कि जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड को जोड़ के बताऊंगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि देखिए जो हम जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां हम चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। देखिए तो दोस्तों आज की ट्रिक भी कुछ ऐसे ही है बॉलीवुड को लेकर के। एक 1996 में, 1996 में एक मूवी आई थी, 1996 में एक मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान साहब थे और काजोल दी, शाहरुख खान और काजोल, ये दोनों इस मूवी में थे। काजोल का नाम था सिमरन और शाहरुख खान का नाम क्या था, राज। बस अब आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कौन सी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, इसी में सिमरन का नाम, और देखिए एक मशहूर डायलॉग, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इसी मूवी का डायलॉग है। देखिए तो दोस्तों इस मूवी का नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। तो देखिए बहुत पहले मूवी आई थी, और इस मूवी का एक दृश्य है, किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा, बस 2 मिनट का किस्सा है, और उसी 2 मिनट में आप 15 जीवाणु से होने वाले रोग मुझबानी याद करेंगे चुनौती के साथ। देखिए तो दोस्तों इसी मूवी में शाहरुख खान साहब थे, काजोल जी का नाम था सिमरन। जिस समय ये मूवी आई थी, आज की तरह इतना लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन या ये सब नहीं आया था, आईपैड वगैरह, तो दोस्तों इस समय जब ये मूवी आई थी तो उस समय टीवी था और क्या था, DVD था। तो टीवी था और DVD था, और इस फिल्म में दिखाया गया कि काजोल जी बैठ करके आराम से DVD लगा करके फर्स्ट क्लास मूवी देख रही हैं। और पहले की जो DVD आती थी, ऐसी DVD अगर मान लीजिए कहीं से भी लाइट चली गई या प्लग हिल गया तो मूवी फिर शुरू से होती थी, उसको फिर शुरू से एंड तक भगाना पड़ता था, उसके बाद मूवी स्टार्ट होती थी। तो कुछ ऐसा ही सीन वहां पर दिखाई दिया, जैसे मूवी चल रही है, काजोल जी मूवी देख रही है, वॉच कर रही है, आखिरी सीन चल रहा है वही रोमांटिक वाला जिसमें सब लोग मिलते मिलाते हैं। तो सीन दोनों लोग, अब शाहरुख खान पीछे खड़े हैं काजोल के और काजोल जी बैठी हुई हैं, मूवी चल रही है, दोनों लोग बड़े मस्त से मूवी देख रहे हैं। अचानक दोस्तों ऐसा हुआ कि जो प्लग था टीवी और DVD का, वो बहुत ढीला था, और मूवी चल रही है, दोनों बहुत ध्यान से मूवी देख रहे हैं, अचानक ऐसा हुआ कि प्लग गिर गया। चलो अच्छा कोई नहीं, काजोल उठती हैं, प्लग लगाती हैं और मूवी को 10 मिनट भगाती हैं, फॉरवर्ड करती हैं, फिर देखना शुरू करते हैं दोनों।
और दोनों देखना शुरू करते हैं, 2 मिनट चलता है, 2 मिनट मूवी चलती है, आगे वही रोमांटिक सीन चल रहा है, फिर प्लग गिर गया। चलो इस बार काजोल को गुस्सा आया, लेकिन काजोल उठती हैं, प्लग लगाती हैं, फिर चालू करती हैं, फिर मूवी फॉरवर्ड करती हैं और देखना शुरू कर देती हैं। 2 मिनट के बाद फिर प्लग गिर गया। अब काजोल परेशान, काजोल को परेशान देख करके करके शाहरुख खान क्यों ना परेशान हो। जैसे आपका कोई अपना हो वो परेशान रहे तो जाहिर सी बात है कि दिल में आग आपके भी लगेगी। वही हाल हुआ दोस्तों, जब काजोल परेशान हुई तो उनको देख करके शाहरुख खान भी परेशान हुए। देखिए ट्रिक है, इसको अन्यथा मत लेना, इस अगर मजे से नहीं बताऊंगा तो याद नहीं कर पाओगे, और ऐसा टॉपिक है जल्दी याद नहीं होता है। तो जब तीसरी बार प्लग गिरा तो शाहरुख खान देख रहे थे काजोल को, तो शाहरुख खान को दिक्कत हुई, तो शाहरुख खान ने काजोल से क्या बोला, ए जैसे बोलते हैं शाहरुख खान, कैसे बोलते हैं, हे बोलते ना सही, तो शाहरुख खान ने क्या बोला, ए सिमरन मैं टीवी और डीवीडी का प्लग टिका दूं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या कहा शाहरुख खान ने, क्या बोला कि हे सिमरन, क्या बोला, ए सिमरन मैं टीवी और डीवीडी का प्लग टिका दूं। देखो भाई, हे से हैजा, हैजा मींस कॉलेरा, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है, लीवर और आंते प्रभावित होती हैं। सी से सिफिलिस, यौन संबंधी रोग है, ठीक है ना। म से मेनिनजाइटिस, मतलब मस्तिष्क में दर्द होना। देखो जितना आइटिस आएगा ना, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिनजाइटिस, जापा इंसेफलाइटिस, जितना आइटिस आता है तो आइटिस का मतलब होता है दर्द, तो ये क्या है, मेनिनजाइटिस है दोस्तों। हमारे मस्तिष्क जो नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है और नसों में क्या होता है, दर्द होता है। तो मेनिनजाइटिस मस्तिष्क का बुखार भी इसको बोलते हैं दोस्तों इसको। और ध्यान देना, रस रेनबो ट्राउट है, एक्चुअली में एक रोग होता है पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, तो इस रोग में भी क्या होता है, हाथ पैर कांपते हैं, इसको मेनिनजाइटिस कह सकते हैं। फिर देखें लिखा हुआ है न से निमोनिया, आपको पता होगा निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, जिसका प्रभाव फेफड़ों पर होता है, यह हानिकारक और घातक रोग है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर निमोनिया की बात करी जाए तो देखिए जो निमोनिया होता है इसका प्रभाव श्वसन तंत्र पर होता है, और गांव में डॉक्टर कहते हैं डबल निमोनिया हुई है। भाई गांव में डॉक्टर क्या होते हैं, CC4 मतलब झोला छाप होते हैं, डबल निमोनिया क्या होता है, बस निमोनिया का प्रभाव ज्यादा होता है। और कभी इस बहम को मत पालना कि निमोनिया केवल बच्चों में होता है, भाई ये बड़ों में भी होता है। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे COVID-19 को, उसमें निमोनिया के सिम्टम आते हैं। फिर देखिए दोस्तों मियादी बुखार, मियादी बुखार यहां मैं से क्या होता है, मियादी बुखार, इसको हम आंत्र ज्वर कहते हैं, इसी को हम टाइफाइड कहते हैं। इसका प्रभाव भी कहां होता है, हमारे लीवर पर ही होता है, और इस आंत पर होता है, छोटी बड़ी आंत पर, और इसमें मल काला हो जाता है, इसको कहते हैं मियादी बुखार, जानलेवा बुखार होता है। फिर देखिए टीबी, तो दोस्तों टीबी से, यानी कि टीबी से क्या होगा, देखिए टीबी यानी क्षय रोग, यानी यक्ष्मा यानी तपेदिक, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलने वाला यह रोग, जिसका प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों पर होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने लगभग 1906 के आसपास की थी, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना दोस्तों। और ध्यान देना यह बहुत ही घातक रोग है, और आपको पता होगा जो वैक्सीन आती है VCG की वो क्षय रोग के लिए ही आती है, साथ में साथ डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट एक संस्था है जिसके थ्रू इसका इलाज किया जाता है। अब देखिए उसके बाद दोस्तों टीबी के बाद क्या है, डी है, डी से क्या होता है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है, यहां देखिए जो हमारा श्वसन तंत्र है, यानी इसका प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पर होता है। फिर दोस्तों क्या है, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। आप देखिए फूड पॉइजनिंग कैसे होता है दोस्तों, यह भी जीवाणु जनित रोग है, दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। अभी तो मान लीजिए सब कुछ बंद चल रहा है, लेकिन हैबिट हमारी क्या होती है, हम कॉलेज निकलते कहीं और जाते हैं, हमको भूख लगती है तो पानी पूरी छोला टिकिया चाट, तो कहीं बर्गर, कहीं चाउमीन, कहीं मोमो, हम बहुत सारी बाहरी चीजें खाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो पानी पूरी बना रहा है उसकी जो बाल्टी है पानी वाली, वो कैसी बाल्टी, हमको इससे मतलब नहीं होता है। सोचिए अब जो उसी हाथ से आपको पानी पूरी खिला रहा है, कहीं यहां खुजला लिया, कहीं यहां खुजला लिया, कहीं कहां खुजला लिया, और उसी हाथ से पानी पूरी खिला रहा है। सोचिए समोसा जो आदमी चाकू से काटता है, गर्मी का मौसम है, समोसा बना रहा है, खुजली हुई उसी चाकू से खुजला लिया और उसी से काट लिया, तो क्यों नहीं होगा भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं होगी, बोटुलिज्म क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जो बाहरी चीजें होती हैं वो सही नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है, एक घंटे में आदमी मर सकता है फूड पॉइजनिंग के द्वारा। फिर दोस्तों क्या है, कहां से काली खांसी होती है, हीमोफिलस पर्टोसिस, और काली खांसी को हम कुकुर खांसी कहते हैं, खांसते खांसते कुत्ते जैसी आवाज निकलती है, तो इसको हम कुकुर खांसी कहते हैं, और इसको भी ध्यान देना। और बाकी देखिए प्लेग, प्लग से क्या होता है, यानी हे सिमरन मैं टीवी और यहां साइलेंट है, डी से क्या हो गया डिफ्थीरिया, बी से क्या हो गया भोजन विषाक्तता, और डी यहां साइलेंट दोस्तों है, और का से क्या होता है काली खांसी, कुकुर खांसी कहते हैं, और कुकुर खांसी टिटनेस और डिफ्थीरिया के लिए डीपीटी की ट्रिपल वैक्सीन आती, पता होगा आप सभी को डीपीटी वैक्सीन आती है काली खांसी। उसके बाद एक क्या है प्लग है, प्लग से प्लेग होता है दोस्तों, प्लेग पोस्सुएला पेस्टिस से फैलने वाला रोग है जिसमें चूहा वाहक होता है। प्लेग एक समय ऐसा था जिससे लगभग 3 करोड़ लोगों की जान गई थी इस महामारी से, वर्तमान में प्लेग का प्रभाव बहुत ही कम देखा जाता है अपने भारत में। तो ये प्लेग हो गया। फिर देखिए आप यहां पर टिटनेस, दोस्तों टिटनेस भी जीवाणु से फैलता है, कोलिस्टेडियम टेटानी से फैलता है, और सॉरी बैसिलस टेटानी से फैलता है, और हमको लगता है कि टिटनेस केवल लोहे से जब चोट लगती है तभी टिटनेस हो सकता है, ये हमारा भ्रम है। तो केवल लोहे से चोट लगने से टिटनेस नहीं होता, इसके बहुत से कारक हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। टिटनेस को ही धनुष्टंकार कहते हैं, इसी को हम धनुष्टंकार कहते हैं, इसी को हम लाकजा कहते हैं, और इसके लिए टिटवैक आता है एंटी टिटनेस वैक्सीन, इसको लगवाना बहुत जरूरी होता है। फिर देखिए आखिरी में क्या है, का है, और का से क्या होता है कुष्ठ रोग, जिसको कहते हैं गांव में कोढ़, यह कुष्ठ रोग है लेप्रोसी, और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, और ध्यान देना एमडीटी रिफेमिसिन या क्लोफाजाइमिन ये सभी इसके उपचार की औषधियां होती हैं कुष्ठ रोग में दोस्तों। त्वचा रोग है, इस बात का ध्यान देना कुष्ठ रोग। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं आनुवंशिक रोग को, और आनुवंशिक रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, अगर आप याद कर लोगे कि हे सिमरन मैं टीबी और डीवीडी का प्लग टिका दूं तो क्यों याद नहीं होगा बताइए, ये बहुत ही आसान तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आनुवंशिक रोग। देखिए यानी आनुवंशिक का मतलब होता है हमारे वंशों से आने वाले रोग जो हमारे पूर्वज से हमारे अंदर फैल जाते हैं। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, बस केवल आपको पता होगा शिव ही सुंदर है। तो दोस्तों शिव ही क्या है, सुंदर है, सी से सिंड्रोम होता है। अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, पता होगा आप सभी को। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। जो क्लाइनफेल्टर होगा उसमें 47 क्रोमोसोम XXY यानी कि पुरुषों में, मेल में यानी ओनली मेल में होता है, मेल में क्या होता है फीमेल के सिम्टम आते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, दोस्तों इसमें क्या होता है 45 क्रोमोसोम होते हैं, महिलाओं में होता है, और महिलाओं में होता है ध्यान देना महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण होते हैं, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति का मुंह हमेशा खुला रहता है ऐसे, और जीभ मोटी होती है, होंठ मोटे होते हैं, मंद बुद्धि, आंखें तिरछी होती हैं, उसको कहते हैं मंगोलिज्म, जैसे मंगोलिया के लोग होते हैं ना व्यक्ति, उसमें ऐसा हो जाता है। और दोस्तों एक होता है जिसको हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति का जबड़ा बहुत छोटा हो जाता है और ऊपर के होंठ फटे होते हैं, क्लियर। और दोस्तों वहां से क्या होता है वरांता, आपको पता होगा कलर ब्लाइंडनेस है ये, इसमें वाहक महिलाएं होती है, प्रभावित होते हैं पुरुष, और हमेशा वरांता की कंडीशन में व्यक्ति हरे और लाल रंग में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, यह आनुवंशिक रोग है। यानी लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, लाल भी काला और हरा भी काला, और काला तो काला होता है। फिर देखिए दोस्तों हीमोफीलिया, आपको पता होगा इसको रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। रॉयल हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और इस रोग में सेम कंडीशन यानी कि कैरियर कौन होती है महिलाएं, इफेक्ट किस पर आता है पुरुषों पर। और दोस्तों ध्यान देना, अगर ये दोनों रोग महिलाओं में हैं भी तो प्रभाव नहीं डाल पाते हैं अपना, भाई जिससे पूरी दुनिया डरती है उस पर प्रभाव कैसे डाल पाएंगे। देखिए तो दोस्तों ये प्रभाव नहीं डाल पाते हैं महिलाओं पर, केवल प्रभाव पुरुषों पर ही पड़ता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और दोनों हानिकारक रोग है, लेकिन F3 पीढ़ी में इनका प्रभाव पुरुषों पर भी आता है।
अभी तो मैं केवल ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन इन सभी रोगों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से कुछ खतरनाक रोग होते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में आप सभी से बातचीत करें तो देखिए, हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हमारे बॉलीवुड के महानायक हैं, और लगभग 40 साल पहले उनके एक हीरोइन के साथ बहुत तगड़ी जोड़ी बनती थी जिनका नाम था रेखा। जी हाँ दोस्तों, रेखा जी और अमिताभ बच्चन के बीच इतना क्लोजनेस थी कि दोनों लोग हमेशा साथ में उठते बैठते खाते पीते सब कुछ साथ में होता था उन लोगों का। तो एक बार ऐसा हुआ कि शूटिंग के सिलसिले में अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी चले गए स्विट्जरलैंड। जब वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं तो वहां शूटिंग शुरू होती है। जब शूटिंग शुरू होती है तो अमिताभ बच्चन साहब बाहर शूटिंग कर रहे हैं, और स्विट्जरलैंड तो आपको पता होगा हनीमून प्लेस है, वहां हमेशा बर्फ गिरती रहती है। तो अमिताभ बच्चन साहब बाहर शूटिंग कर रहे हैं खुले में, और रेखा जी छतरी में आराम से बैठी हुई है। हुआ ऐसा कि बर्फबारी हो रही है, अमिताभ बच्चन कोट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, लेकिन बर्फ से कान उनका खुला हुआ है और बर्फ से ठंड लग रही है। अब जब अमिताभ बच्चन को ठंड लग रही है तो अमिताभ बच्चन साहब को दिक्कत भी हो रही है। जब अमिताभ बच्चन साहब को दिक्कत हो रही है तो उनको रेखा जी देख रही हैं और रेखा को भी दिक्कत हो रही है। भाई क्यों ना हो, अगर मान लीजिए जब आपका कोई अपना हो और आप तकलीफ में हो तो क्या कहेगा, बाबू दवा खा लो, बाबू सही से रहो, बाबू खाना खा लो। अरे देखो, माँ बाप यही बोलेंगे ना, हर बात का गलत मतलब नहीं होता। माँ बाप बोलेंगे बाबू दवा खा लो, बाबू सही से रहो, ऐसा होता है। तो माँ बाप भी तो अपने हैं। तो दोस्तों जब शूटिंग खत्म होती है तो रेखा जी शाम के समय अमिताभ बच्चन साहब को लिवा के जाती हैं एक शॉपिंग मॉल में, उनके कान के लिए एक कनटोप लेने के लिए। ध्यान से सुनिए, रेखा जी अमिताभ बच्चन के साथ एक शोरूम में पहुंचती हैं और उनके कान के लिए टोपी लेने के लिए। जैसे जमाना अब है ना, टोपी छोटी छोटी आती है, आज से 40 साल पहले मंकी कैप था लंबा लंबा। तो अमिताभ बच्चन के लिए रेखा जी ने बड़ी ही मेहनत से 6 इंच का लंबा टोपी, बड़ा ही महंगा टोपी खरीदा। रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए 6 इंच लंबा और बहुत ही महंगा टोपी खरीदा, और अमिताभ बच्चन साहब ठहरे फैशन वाले आदमी। और अमिताभ बच्चन ने टोपी जैसे ही देखा उनको पसंद नहीं आया। सोचो, रेखा सुबह से शाम तक वेट करी और बड़े ही प्यार से, बड़े ही मन से गई अमिताभ बच्चन के लिए टोपी लेने के लिए। अब सोचिए, मान लीजिए आपका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, या कोई विशेष फंक्शन आपका हो, और आपका कोई अपना हो अगर, बाकी आप समझ सकते हैं, और वह अपना आपको बड़े प्यार से कोई गिफ्ट दे, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है आपकी और आपको बड़े प्यार से कोई गिफ्ट दे, और गिफ्ट मिला आपको, आप देखें कह मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करेगी? पैर पटक के 10 गाली देगी और चली जाएगी वहां से। ठीक यही हुआ, ठीक है दोस्तों, यही हुआ कि जैसे ही अमिताभ बच्चन ने रेखा से बोला कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, तुरंत रेखा हाइपर हो गई। रेखा ने गुस्से में पैर पटक के कहा जा। ठीक, अमिताभ बच्चन ने कहा रेखा, आइए आपको इस बात से हम अवगत भी करा दें कि क्या कहा अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने क्या बोला कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है। यह सुनते ही तुरंत रेखा आग बबूला, गुस्से में कहा कि जा, ऐड कर, कौन सा ऐड, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। नहीं, रेखा, अमिताभ ने कहा रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, और इतना रेखा सुनी भाई, इतने प्यार से शाम तक वेट किया और इतनी महंगी टोपी लिया, और ये मामा कह रहे टोपी महंगा है। वो तो शुक्र है अगर कोई गांव की गर्लफ्रेंड होती है, कोई गांव का होता कहता मामा चूल्हे में जाओ, तुमसे मतलब नहीं हमको। तो रेखा ने लेकिन इतना कुछ नहीं बोला, रेखा ने बोला रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी की। आइए इसको डिकोड करते हैं। रे से रेखा, ख से रे से रेबीज, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, COVID-19, ट्रेकोमा, पीलिया, मेनिनजाइटिस, हर्पीज, गर्ल्स हुआ, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एड्स, डेंगू, कर से, दोस्तों क्या होता है, कर से होता है, रस होता है, रुबेला होता है, उसके बाद देखिए 2 बूंद जिंदगी की मतलब पोलियो, यानी उसी समय अमिताभ बच्चन पोलियो का ऐड कर रहे थे। तो जैसे ही अमिताभ ने कहा रेखा
छह इंच का टोपी महंगा है, तुरंत रेखा ने गुस्से में कहा, जा ऐड कर दो बूंद जिंदगी की मतलब पोलियो। देखिए तो दोस्तों, रे से रेबीज होता है, कुत्ते काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं, और खसरा त्वचा पर होता है, मिसल्स वायरस, और छह से छोटी मात्रा दोस्तों वेरिसेला वायरस से फैलता है, छोटी चेचक इसको बोलते हैं, इनसे इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू H1N1, ध्यान देना जो होता है स्वाइन फ्लू वो क्या होता है H1N1, और एक होता है बर्ड फ्लू जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं H5N1, बर्ड फ्लू H5N1, क्लियर। और ध्यान देना चेचक, ये बैरियोला वायरस से फैलती है चेचक, इसमें बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं त्वचा पर। क से COVID-19 यानी कोरोना वायरस, इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। टो से ट्रैकोमा, आंखों में होता है, और कहीं कहीं इसका जिक्र मिलता है कि ट्रोकोमा जीवाणु से भी होता है दोस्तों। पीलिया यानी इसका प्रभाव कहां होता है, यकृत पर होता है, जो हमारे अंग होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। और म से माइलाइटिस होता है, माइलाइटिस कहां होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, एक्चुअली में हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन और माइलिन दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय यानी कि डैमेज हो जाते हैं, तो ये माइलाइटिस नामक रोग होता है, यानी कि रीढ़ में दर्द होता है। हर्पीज यौन संबंधी रोग है, ये संबंध बनाने से होता है, जननांगों में घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हर्पीज होता है। फिर देखिए गल्स हुआ, पैरोटिड ग्लैंड में यहां सोलोइंग होती है, पैरोटिड ग्रंथ में सूजन होती है, तो गल्स हुआ होता है, इसको हम कंडमाला भी कहते हैं, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार कहते हैं दोस्तों, इसमें बहुत दर्द होता है, यह भी एक मच्छर से फैलता है। एड्स दोस्तों आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एक संक्रामक रोग है जो कैसे फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है, असुरक्षित यानी संक्रमित संबंध से, संक्रमित रक्त आधान से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, संक्रमित माता के संबंध बनाने से। और एड्स के लिए दोस्तों क्या होता है, एड्स में ही आपको पता होगा कि इसका जो परीक्षण होता है उसको हम एलिसा परीक्षण कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसी में होता है, ठीक है। और इसी के लिए जूडोवोडीन, AZT ये सब दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। फिर देखिए डेंगू जो होता है, अगर डेंगू की बात करें दोस्तों, तो ये कैसे होता है, अरबो वायरस से होता है, और एक विशेष प्रकार का टाइगर मच्छर मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर से डेंगू रोग फैलता है। डेंगू रोग को पीत ज्वर कहते हैं, यानी एलो फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों अगर रूबेला की, तो ये भी हानिकारक रोग है, कर यहां साइलेंट राष्ट्र क्या होता है, रूबेला होता है। और बाकी देखिए लिखा हुआ पोलियो, पोलियो दूषित जल से फैलता है, इसका प्रभाव कहां होता है, तंत्रिका तंत्र पर होता है, और इसमें व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये रहे विषाणु से होने वाले रोग, कैसे याद नहीं होगा, अभी मैं आपको केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको जानने होंगे दोस्तों, ध्यान देना। यहां वैक्सीन के बारे में चर्चा मैं आप सबसे करूंगा कि वैक्सीन कौन कौन सी है। देखिए अगर बात करें हम दोस्तों वैक्सीन, तो वैक्सीन जीवाणु या विषाणु के मरे हुए अवशेष से ही बनती है। और अगर बात करें हम वैक्सीन की, तो चेचक की वैक्सीन किसने खोजी, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज की तो लुई पाश्चर ने। इन्फ्लुएंजा की थॉमस फ्रांसिस जूनियर ने। अगर दोस्तों हम बात करें खसरा के बारे में, तो खसरा, गलसुआ, छोटी माता, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई तक होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और बी तथा निमोनिया, इनकी वैक्सीन खोजी है मॉरिस हिलमैन ने। ध्यान देना, खसरा, गलसुआ, छोटी माता, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस और साथ ही साथ निमोनिया, इन सबकी वैक्सीन किसने खोजी है, मॉरिस हिलमैन ने। और छह रोग की कालमिट और ग्लूरिन ने, इसी को बोलते हैं BCG, क्या बोलते हैं BCG, तो कालमिट और ग्लूरिन ने की है। रोटावायरस की पॉल ऑफिट ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये वाला। रूबेला की किसने की दोस्तों, तो इसकी की है प्लाटकिन ने की है, रूबेला की वैक्सीन की खोज प्लाटकिन ने की है। वही देखिए पोलियो, तो पोलियो की जान सॉल्क आपको पता होगा, और एक ड्रॉप आता है पोलियो का ड्रॉप आता है, तो इसकी किसने की है, अल्बर्ट साबिन ने की है। इसकी खोज जो ड्रॉप किसने दिया है पोलियो का, अल्बर्ट साबिन ने दिया हुआ है, लेकिन पोलियो की वैक्सीन जॉन सॉल्क ने दी हुई है। और इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने की है। तो दोस्तों आज मैंने केवल आपको पढ़ाया है ट्रिकी, और ध्यान देना जब आपको पढ़ाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें देखिए वाहक, कारक, प्रभाव, लक्षण और उपचार सब बताऊंगा आप सभी को। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, और ध्यान देना अगर आपको लेखपाल में प्रवेश लेना है तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर एक बार आप संपर्क जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं आर कुमार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।